हाय गाइस, मैं अपने इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ रिलेटेड टू मोटिवेशन, जॉब्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जिससे आपको हेल्प मिल सके और हम देख सकें एक बेटर इंडिया। जो भी आप कमेंट से पूछते हैं ज़्यादातर लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का नाम अगर छूट जाता है तो पर्सनली सॉरी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और क्वेश्चंस को देखूंगा। तो लेटेस्टली मुझसे पूछा है उज्ज्वल कुमार ने कि भाई इनसाइड आउट शॉट कैसे खेलेंगे, उस पर वीडियो बनाओ। देखिए, अभी जो सबसे अच्छा इनसाइड आउट खेलता है वो है विराट कोहली, वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है। बहुत अच्छा इनसाइड आउट शॉट वो खेलते हैं, कवर्स पे मारते हैं। तो अगर मैं आपको उनका एक वीडियो शेयर करूँगा, इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हो तो उसका मैं अपने तरीके से एनालिसिस करके भी एक वीडियो बनाऊँगा, बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा। इनसाइड आउट कैसे खेलते हैं, कवर्स पे कैसे खेलते हैं, बहुत प्यारा वो खेलते हैं कवर्स पे और ऑन साइड पे, तो उसका थोड़ा वेट करिए। उसके बाद है सुमन अली ने पूछा है कि सर रणजी ट्रॉफी या IPL खेलने के लिए कितने ईयर्स की ट्रेनिंग लेनी होगी क्रिकेट अकेडमी में। तो देखो, सचिन तो रणजी ट्रॉफी 16 साल में खेल गया था, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एकेडमी में जाके बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हो और ऐसा शो करते हो कि आप बहुत कम टाइम में मतलब सीख गए हो और रन्स मारे जा रहे हो, बड़े बड़े बॉलर्स को आपने मतलब धूल चटा दी है, बड़े बड़े बॉलर्स को मार दिया, या बॉलिंग करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन जो ऑलरेडी डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सालों से खेल रहे हैं उनको आउट कर दिया, या बहुत अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस किया, तो कोई भी IPL टीम डोमेस्टिक क्रिकेट के आपके परफॉर्मेंस को देख के बहुत जल्दी भी आपको कॉल कर सकती है। तो ये सब आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। उसके अलावा है ओमकार मिश्रा, उन्होंने पूछा है कि इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, इन्होंने मुझे विशेस दिए हैं, गुड विशेस, थैंक यू ओमकार जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कुछ कमेंट्स देते हैं। उसके अलावा हैं सुमन अली जो पूछ रहे हैं, सर मैं 15 इयर्स का हो गया हूँ और मैं नागपुर में रहता हूँ, सर मेरे को नागपुर में कौन सी क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और सर मैं रणजी ट्रॉफी और IPL कैसे खेल सकता हूँ। तो देखिए सुमन जी, मैं हर स्टेट की अकेडमीज़ के बारे में बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस पर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा हर स्टेट में कौन कौन सी मेन अकेडमीज़ हैं। अगर आपके घर के पास वो पढ़ती है तो आप बिल्कुल जाओ, और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप पढ़ाई करो और जब भी आपको मौका मिले आप जाके अकेडमी ज्वाइन करो। उसके अलावा है अजय अशरफ जो मुझसे पूछ रहे हैं, हेलो सर, मुझे क्रिकेटर बनना है पर अकेडमी बहुत दूर है, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं UP का हूँ, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ सर। तो देखो अजय, मैंने इस प्रॉब्लम पे कि फैमिली को कैसे मैनेज करें और कैसे पैसे की प्रॉब्लम है, उस पर एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको फिर से बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं उस बात का। उसके अलावा प्रतिमा दीक्षित, आई एम लिविंग इन सिलवासा, मेरे ख्याल से ये वुमेंस क्रिकेट के बारे में शायद पूछना चाहती होंगी, तो मैं वुमेंस क्रिकेट पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके अलावा है अजय अशरफ जी के एक और कमेंट है, हेलो सर, मेरा नाम अजय है, मैं आई एम 18 ईयर्स का हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, अकेडमी भी अभी ज्वाइन नहीं की है, मुझे किसी ने बताया कि क्रिकेट में बहुत घूस चलती है और बिना पैसे के आप कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते, क्या ये सच है सर। तो देखिए, पॉलिटिक्स आजकल हर जगह है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जॉब्स हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो इससे आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन टैलेंट्स को ऐसा नहीं है कि सभी घूस दे के खेल रहे हैं, सभी पॉलिटिक्स के साथ खेल रहे हैं, उसमें भी अच्छे लोग आगे आते हैं और हमेशा से ही ऐसा होता आया है, तो ये चीज़ तो रहेगी और आपको उससे डील करना पड़ेगा। इसके अलावा अभिषेक कुमार का एक कमेंट आया, आई एम लिविंग इन देहरादून, तो मेरे ख्याल से अकेडमी के बारे में पूछना चाहते होंगे, तो मैं हर स्टेट की अकेडमी का बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसके अलावा पीयूष यादव है, उन्होंने कहा, प्लीज़ ड्यूड, योर वीडियोज़ आर वेरी सेटिस्फाइंग, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्ले IPL, थैंक यू पीयूष। बस मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोई वीडियो देखता हूँ, उसे जो समझता हूँ वो आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, और जो मैंने क्रिकेट में सीखा है या जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वही आपके साथ शेयर करूँगा, अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा मैरी सुहासिनी है, उन्होंने लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट क्रिकेट करियर आफ्टर 12th। देखिए, क्रिकेट करियर स्टार्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप कोई प्रोफेशनल एकेडमी में जाओ, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल्स होते हैं वहाँ जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम से आप खेलने लगोगे तो स्टेट लेवल की ट्रायल्स दो, और स्टेट लेवल से खेलोगे तो नेशनल लेवल में आप जाओगे, तो एक सिंपल सा तरीका है ये। उसके अलावा अभिषेक आ रहे हैं, उन्होंने मुझे थम्स अप दिया है, सर बेहतरीन वीडियो, थैंक यू अ लॉट। अभिषेक, बस एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ अपने,
गोविंद शर्मा, जल्दी रिप्लाई करो गोविंद शर्मा को, आपका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं बाद में। कॉमेडियन सत्यम पुरोहित, थैंक्स सर एंड आई एम 13 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम लिविंग इन जोधपुर। हिमांशु मॉल, इन्होंने माल इन्होंने लिखा, सर मैं एमपी के नीमच डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं किस्मत से ज़्यादा मेहनत में यकीन करता हूँ। वेरी गुड, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे लिए कौन सा क्रिकेट अकेडमी अच्छी है जो मेरे बजट में हो। हिमांशु, मैं क्रिकेट अकेडमीज़ का वीडियो जल्दी शेयर करूंगा हर स्टेट की, क्योंकि सब स्टेट में अच्छे अच्छे क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, तो आप एमपी के हो तो मैं एमपी की भी शेयर करूंगा, तो आपके लिए मैं पर्टिकुलर एमपी का शेयर करूंगा। उसके अलावा अंकित सर, बेस्ट एकेडमी इन कोलकाता, इनको मैंने रिप्लाई, कोलकाता एकेडमीज़ के बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। उसके अलावा जिन्होंने मुझे कमेंट्स लिखे हैं मैं उनके नाम बताना चाहूँगा, अंकित शर्मा, सुमित कुमार, विकास कुमार, सत्यम पुरोहित जी, भूषण सावंत, विकास कुमार, सुधीर सिंह, इन सबको मैंने अपने पर्सनली रिप्लाइज भी किए हैं, नितिश कुमार, जैबी वीलॉग, चेतन कौशिक, आशा जैन, सिद्धार्थ काटकर, सिद्धार्थ काटकर, भूपति दास, इसके अलावा है पराग नाथ, विवेक कुमार, भूपति दास, आर आर, अरुण सिंह, ये सब मुझे कमेंट्स उन्होंने मुझे किया है और ज़्यादातर कमेंट्स क्रिकेट रिलेटेड हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, तो ठीक है। बाकी सारे लोगों से मुझे कमेंट मिल रहे हैं, अब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा जो जो लोग मुझे आगे लिखते हैं उनके साथ मैं वीडियो में भी इंट्रैक्शन करूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं कमेंट्स बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं फोन पे।